हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पबजी के ऊपर। नॉर्मल से बता, ट्रेंड में यही चल रहा है फिलहाल में। तो हम लोग उस बारे में बात नहीं करने वाले जिस बारे में सब लोग कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं बताने वाले कौन सी डेट को आने वाला है, कब आने वाला है, 21 तारीख को क्यों नहीं आया, 20 तारीख को क्यों नहीं आया, या अदर जो बाकी चीज़ें वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि पबजी ने जब 13 तारीख का जो डेट दिया हुआ था, 13 नवंबर का, जिस दिन वो आने वाला था, तो वो डिले हो चुका है। ठीक है, डिले होने के बाद में फिर वो डेट बता दी गई कि भाई 16 या 17 को आएगा। ठीक है, वो भी डिले हो गया। उसके बाद में फिर यूट्यूबर्स ने, या फिर बोलो जहाँ भी, जहाँ से जिसको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने वहाँ से ट्राई किया बताने का, वहाँ से इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई किया, और उन्होंने फिर बताया कि 19 या 20 को आपको रात को मिल जाएगा। बट वो भी नहीं हुआ। ठीक है, वो भी नहीं हुआ, वो भी हमको नहीं मिला। तो हमको दिक्कत इस बात से नहीं कि नहीं मिला, लेकिन ये डेट जो आ रही है और ये डेट जो डिले हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचा किसी ने? नहीं सोचा, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना हमको सोचने का। ना हम क्यों दिमाग लगा, यूट्यूबर्स करने के लिए सब काम है ना। वो लोग कुछ ना कुछ लेके आते रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक ने लेके आया था, जो मैंने भी देखा था करके, कि वो जो ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है वहां पे जाके, मतलब pubg.in पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक अलग से लिंक मिलेगा, मतलब स्लैश और न्यूज़, और वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई इंस्टॉल फ्रॉम प्ले स्टोर और डाउनलोड दी ऐप। ठीक है, मैंने भी वो किया था। मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा फेसबुक पे खुद पेज खुल गया था वहाँ का। तो मेरी वो क्या है, वो ठीक है, क्रिसमस। मेरा फर्स्ट टाइम, वो सेकंड टाइम नहीं हुआ, दोबारा हुआ ही नहीं वो चीज़। अभी वहाँ पे जाता हूँ मैं तो वहाँ पे एक एरर दे देता है और कुछ नहीं मिलता मेरे को। तो बेसिकली बात क्या है, ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये चलने वाली हैं, अभी और चलेंगी ये सब चीज़ें। इतनी जल्दी ये सब चीज़, मतलब पबजी नहीं आने वाला? अरे भाई, आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, ये सब आप एक गेमर के होने के थ्रू, मतलब गेमर होने के हिसाब से देख रहे हो। आप एक गेमर हो, आप उस हिसाब से उस चीज़ को टैकल करो, उस चीज़ को देख रहे हो। एक्चुअल में अभी फिलहाल में गेमर के हिसाब से मत सोचो, आप थोड़ा सा मतलब अलग दिमाग सोचो। आप ये सोचो कि वो कंपनी है जिसने 100 मिलियंस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो 100 मिलियन अगर उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो कुछ सोच समझ के कुछ करेगा वो। ठीक है, और उसको मालूम है अच्छी तरीके से कि हाँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हमारी जो पबजी ऐप है वो ऑलरेडी पहले ही बैन हो चुका है। अगर सेकेंड टाइम भी बैन हो गया तो वो परमानेंट बैन हो जाएगा। उसके बाद में उसका कोई भी लेन देन नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है कि वो आए, समझ रहे हो, मार्केट में, मतलब हमारे इंडिया में दोबारा लॉन्च हो, ये कोई चांस ही नहीं है उसका। तो वो क्या है, वो एकदम सिक्योर होकर के करेगा जो करेगा। ठीक है, ये एक पूरी एक मार्केट प्लान है। ठीक है, मैंने जो देखा है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप ग्लोबल वर्जन लो, कोरियन वर्जन लो, या कोई और वर्जन ले लो, है ना, पबजी के सभी में आरपी जो है, रॉयल पास जो है, वो एक ही दिन आता है, एक ही टाइम पे। मतलब हाँ, टाइम अलग अलग हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता, बट हाँ, मुझे जहाँ तक पता है सुबह 7:30 बजे ही हमारे पास आता था। कोरियन में भी उसी टाइम पे आता है, तो मेरे हिसाब से बाकी सब जगह पे भी उसी हिसाब से आता होगा। मैंने कंफर्म किया नहीं, और बाकी आप लोग कर लेना अगर रहा तो कुछ आपको डाउट। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये आने वाली है। अब हमको इसका जो ट्रेलर है वो मिलेगा हमको अभी जो करेंटली सीजन जो चल रहा है 16, तो उसके मिड में। ठीक है, हाफ सीजन जब हो जाएगा इसका, तब मुझे लगता है कि इसका हमको ट्रेलर वगैरह देखने को मिलेगा, और उसमें भी आपको लिंक वगैरह नहीं दी जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद ये जो 16 जो एंडिंग होगा सीजन का, उसके एक दो दिन पहले आपको देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि सीजन 16 खत्म होते ही आपको वो एप्लीकेशन देखने को मिले, और फिर सीजन 17 के लिए रॉयल पास के साथ में आप रॉयल पास आपको परचेस करने का, मतलब अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ये क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है एक पूरा मार्केट प्लान है भाई। अगले वाले ने 100 मिलियन जो हैं डाले हैं, अगर बाई चांस उसका ऐप किसी भी वजह से वो गेम जो है दोबारा बैन हो जाता है, तो वो तो आपको दे देगा अभी। ठीक है ना, और सीधी सी बात है कि कुछ समय जाने के बाद कोई भी आरपी परचेस क्यों करेगा? अभी अभी सीजन जा चुका है, लगभग सीजन निकल चुका है, जो स्टार्टिंग थी वो हमको नहीं मिली, और हम लोग उस सीजन से परचेसिंग तो करेंगे नहीं। हमको तो स्टार्टिंग डेट से चाहिए ना भाई। हम लोग तो फर्स्ट वीक से मेहनत करते, तब जा करके 8th वीक तक हमारा 100 RP कम्प्लीट होता है, उसके बाद हमें वो रिवर्ट्स मिलते हैं। तो उसमें से अगर एक आधी वीक हमको नहीं मिलेगा तो हमारे तो 7 वीक हो गया ना, और सिर्फ हमारे लिए वो 1 वीक तो अलग से बढ़ा नहीं देगा।
जिस तरीके से जब वो हर जगह पे जितने भी उसके वर्जन हैं सब में एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही तरीके से एक ही डेट को सब चीज़ें दे रहा है, तो वो हमारे लिए अलग नहीं करने वाला, वो हमारे पास जो आने वाला इंडियन वर्जन उसमें भी वो सेम ही चीज़ करेगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे एक मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो यही करेगा कि वो आपका जो सीज़न 17 आएगा तो सीज़न 16 जिस दिन ख़त्म होगा तो उस दिन वो आपको ऐप लॉन्च करके देगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1 या 2 दिन आपको मिल जाते हैं, आप उस एप्लीकेशंस को जो है यूज़ कर सकते हो, उसमें खेल सकते हो, उसमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सब देख 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 के जो भी करना है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा सीधा RP17, और कंपनी को बहुत ही बेहतर तरीके से मालूम है कि हाँ RP17 जो है जब वो आएगा तो इंडियन यूजर्स जो हैं, जो गेमर हैं, वो RP लेते ही हैं, लेना ही है उनको। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उसको परचेस करेंगे, और जब वो परचेस करेंगे RP को तब वो जो बेनिफिट है वो पहुंचेगा कंपनी के पास, समझ रहे हो। 100 मिलियंस उसको पहले निकालना है, उसको पहले अपने 100 मिलियन सिक्योर करना है। आप ये चीज़ सोचो, आप ये मत सोचो कि भाई पबजी कब आएगा कब नहीं आएगा, भाई वो पागल थोड़ी है। अगर मान लो उसने अभी पबजी आपको दे दिया, ठीक है, हम में से आधे यूज़र आधे क्या, मेरे हिसाब से तो मुझको ऐसा लगता है सिर्फ 20 या 30% ही बंदे ऐसे हैं जो अभी RP लेंगे इस समय में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हिसाब से नहीं लेंगे जहाँ तक मुझे पता है। वो लोग यही सोचेंगे कि ठीक है नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उसमें ले लेंगे हम लोग RP, बाकी ऐसे खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टाइम पास करेंगे, जो भी है इस तरह के सोचेंगे। तो भाई वो 30% के लिए थोड़ी ना इतनी बड़ी रिस्क लेगा। अब मान लो अगर सीज़न 17 आने से पहले अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई या गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ को देख करके उसको नोटिस दे दिया या फिर बैन कर दिया, तो उसके तो 100 मिलियन गए पानी में, समझ लो उसकी मेहनत गई बेकार। वो कमा लेगा अलग जगह से वो अलग बात है, लेकिन उसने जहाँ जिस चीज़ के लिए लगाए हैं वहाँ से तो कमाई नहीं हो रही ना उसकी। तो बेसिकली क्या है, वो यही सोच रहा है कि भाई मेरा जहाँ मैं जहाँ के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ से मेरा पैसा निकल जाए पहले, तो वो वही करेगा भाई। सीज़न 17 जो है उसके स्टार्टिंग वगैरह में आपको देगा, 1-2 दिन पहले ही ऐप देगा ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सको, थोड़ा सा गेम वेम खेल सको, उसमें आप उसके हिसाब से अपने आप कंट्रोल्स वगैरह सेट कर लो या बाकी चीज़ें सेट कर लो, थोड़ा गेम को समझ लो, कोई नया मैप है या कुछ भी चीज़ है जो भी चीज़ आने वाली है नहीं आने वाली है वो सब चीज़ें वो उसमें दिखा देगा, बता देगा ट्रेलर के थ्रू। मेरे हिसाब से ट्रेलर मिल जाना चाहिए आपको 16 के मिड में, और एंडिंग में आपको गेम मिल जाना चाहिए, गेम लॉन्च हो जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उससे पहले देगा वो, तो ये आपको मिल जाएगा। और फिर आप मतलब इतना वेट मत करो यार, मेरे हिसाब से तो इतना वेट करना बेकार है। मुझको जहाँ तक लगता है वो 17 तक ही आएगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि हाँ अभी ये कल आएगा परसों आएगा, ये सब रूमर्स चल रहे हैं और कुछ नहीं है। और अगर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आ गया मैं गलत हो गया, चलो ठीक है मैंने भी एक अंदाज़ा लगाया, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं मतलब बता रहा हूँ आपको बस, अगर अब बाई चांस आता है तो खुशी की बात है, या फिर सब मिल के खेलेंगे, कुछ लोग मेरे को भी अपनी ID वाइडी दे देना, हम लोग साथ में मिल के खेल लेंगे, है ना, क्या दिक्कत है। बाकी मुझे जो लग रहा था मैंने वही चीज़ बताया आपको, क्योंकि जिसको देखो वो यूट्यूबर ही बोल रहा है ये है वो है, हालांकि सब यूट्यूबर गलत नहीं बोल रहे, उनको जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ही बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने देखा है क्लासीफाइड क्लासीफाइड YT जो है वो बहुत ही बढ़िया मतलब अपडेट्स लेकर के आता है और हर एक चीज़ उसके पास पहले आ जाती है, तो वो गलत चीज़ नहीं दिखाता कभी, वो अच्छी चीज़ दिखाता है, ठीक है। उसके बाद साथ में मैंने देखा है एक गेमिंग प्रोशन करके यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, हालांकि मुझे लगता है कि आप सब लोग उनको जानते होंगे अच्छे से। वो उस बंदे के पास मतलब वो कहीं भी रहे, चलता रहे, फिरता रहे, कुछ भी करता रहे, उसके पास जब भी अपडेट आता है तो वो तुरंत ही एक वीडियो छोटी सी बना करके और तुरंत ही लोगों तक पहुंचा देता है, मतलब जो भी अपडेट्स मिलता है वो। लेकिन उसके पास जो अपडेट्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी तो मुद्दे की बात है ना, वो भी एक सोचने वाली बात है कि भाई उसके पास जो आ रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ एक मैटर करती है। और सिंपल सा लॉजिक लगा करके आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, आएगा जब आएगा, टेंशन की बात ही नहीं। मुझको तो लगता नहीं बिल्कुल भी कि सीजन 17 से पहले आपको मिलने वाला है मतलब पबजी मोबाइल इंडिया, हो सकता है सीजन 18 हो जाए, बट मुझको नहीं लगता कि सीजन 17 से पहले आपको मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, क्योंकि अब तो हमारी वॉइस ओवर इसी तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दो अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो लोग भी थोड़े से मतलब माइंड से थोड़े से आराम से मतलब काम करने लगे, इतना टेंशन ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही प्रेशर लेके बैठे हुए, यार कब आएगा कब आएगा, कब मैं चालू करूँगा, कब कॉम्पिटेटिव खेलूंगा, ये है वो है बहुत सारी चीज़ें, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।